राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर एवं पूर्ण रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश भर के कार डीलर्स आंदोलन की राह पर उतर आए। इस संबंध में और राजस्थान वाहन व्यापार संगठन पुरानी कारों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन देकर टैक्स में राहत की मांग की। संगठन की ओर से जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में जुटे सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को ही यथावत रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज आप लोग ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन जो एकत्रित हुए हैं, इसका क्या रीजन है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सर, मांग हमारी ये है कि हम सब लोग जितने भी जने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये सब पुराने वाहनों का खरीद फरोख्त का काम करते हैं, खरीदने बेचने का काम करते हैं। हमारे साथ अन्याय ये हुआ है सर कि मैं आपके बताना चाह रहा हूँ कि 10 तारीख को जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी ने जो बजट की घोषणा करी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हर किसी भी जो भी बस यूनियन है, ट्रक यूनियन है, वो भले यूनियन कोई सी भी हो, कहीं ना कहीं सबको सब कुछ दिया गया, जितना देना चाहिए था सबको दिया। हमारे पुरानी वाहनों का कार बाजार का काम करने वालों के ऊपर इतना बड़ा वज्रपात किया गया है कि हमारे ऊपर बोझ आ गया है कि हमें रोटी अच्छी नहीं लग रही, हमें इतना सारा टैक्स हमारे ऊपर थोप दिया गया जो वो हमारे लिए हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि मोदी सरकार के अंदर बार बार जुमले दिए जाते हैं वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, और भी भाजपा की सरकारें बहुत सारे राज्यों में हैं, आप उनका एक आंकड़ा निकलवा लीजिए और राजस्थान से उसको कंपेयर करा लीजिए, उसका मिलान करा लीजिए, सबसे ज़्यादा टैक्स राजस्थान में ही लिया जा रहा है। तो हम इसलिए हमने ये एक प्रकार का एक छोटा से आंदोलन का रूप किया, यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आपके माध्यम से कि हम सरकार को आपके माध्यम से हम सूचना देने चाह रहे हैं कि इस टैक्स को जो भी बढ़ोतरी करेगी इसको वापस लिया जाए। जो व्यापारी हैं और जो खरीदार हैं उसको क्या इसका वो भुगतना पड़ेगा, खामियाजा इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं सर, मैं आपको विस्तार में बताता हूं इसके ऊपर सर। ये है कि जो पहले टैक्स लगता था एक पुरानी कार बेचने के ऊपर, हम लोग कम से कम 7 आदमियों को हम रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी वजह से 7 घर चलते हैं। एक कार बिकने के ऊपर डेंटर हैं, पेंटर हैं, कोई फाइनेंस वाला है, कोई वॉशिंग वाला है, कोई सर्विस वाला है, कोई मिस्त्री है, कोई मैकेनिक है। तो मोदी ये अभी भाजपा सरकार ने जो किया है ये बहुत बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। एक आपने जैसे सवाल किया कि एक आम आदमी को या आम जनता को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सर हर आदमी किसकी जो इतना सक्षम नहीं है नई गाड़ी लेने में, वो अपने पहले तो 2-4 साल पैसे इकट्ठे करता है, अपनी पूंजी जोड़ता है, कभी महीने में 10,000 जोड़े, 20,000 जोड़े, 50,000 जोड़े, लाख जोड़े, फिर 1,50,000 रुपये देने के बाद में बाकी का अमाउंट जो है वो लोन करवा करके हम लोगों के पास आता है और हम उनको पुरानी कार देते हैं। तो वैसे भी हम लोग जो काम करते हैं ये मोदी सरकार की पुरानी का जो पॉलिसी है, रीयूज पॉलिसी जिसको बोला जाता है, पुनरावृत्ति की पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसके नियम के अनुसार हम काम करते हैं। तो आम जनता का इसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है आम जनता को। कितना फर्क पहले और अब में कितना फर्क, कितना मैं आपको उदाहरण के तौर पे आपको बिल्कुल मैं उदाहरण के तौर पे यदि बताना चाहूँ तो पहले जिस गाड़ी के ऊपर जो गाड़ी 25,000 रुपये में ट्रांसफर हो जाती थी, वो गाड़ी 1,10,000 1,20,000 में ट्रांसफर होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है सर, टैक्स वृद्धि में बहुत फर्क पड़ गया है सर। तो जो आपकी ओरिजिनल कीमत है बेचने की जैसे 5 लाख रुपए है, तो वो टैक्स के साथ अब कितने में मिलेगी उसको? जैसे सर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक गाड़ी 5 लाख रुपए की है, मैं आपको शुरू पे आते एक नई गाड़ी 2016 के अंदर 7 लाख रुपए की नई थी, उस टाइम एक बार ये कर जो लगता था 35,000 रुपए लगता था, आज वो गाड़ी 2016 की वाली गाड़ी 2024 के अंदर 8 साल पुरानी हो गई, हर साल का 10% डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए। जो इन्होंने क्या करा है, हमें जो अभी टैक्स देना पड़ रहा है वो गाड़ी की जो 7 लाख वाली जो गाड़ी है वो तो रहेगी 3 लाख की, इनको उसके ऊपर 1 लाख रुपए टैक्स चाहिए, तो ये अन्याय है ना साहब। और यदि हम अपनी मांगे हम कहीं भी गलत हैं, अगर आप सरकार को हम व्यापारी गण जहाँ भी गलत लगते हैं तो हमारे सवालों का जवाब दे दें, मत करो टैक्स कम, आप हमारे सवालों का जवाब तो दो। सरकार में बात हुई है आपकी किसी मंत्री? हमने बिल्कुल सर, हमने परिवहन मंत्री श्री माननीय श्री प्रेमचंद जी बैरवा को ज्ञापन सौंपा था, उनके द्वारा आश्वासन दिए गए, और विपक्ष के नेता हमने टीकाराम जूली जी को भी ज्ञापन दिया, अपना ज्ञापन सौंपा है। आज हम सुबह रविंद्र सिंह जी भाटी से मिले थे, विभाग बोलते अच्छे नेता हैं। तो हम लोग अपने अपने स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडी स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राजधानी लेवल पे, हर अपने अपने स्तर पे हम लगे हुए हैं, सबको हमने ज्ञापन दिए हैं, कम से कम 15 विधायकों को हमने ज्ञापन दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये मुद्दा हमारा आपके माध्यम से
विधानसभा में उछलेगा जब भी हमें कुछ ना कुछ राहत मिले। और अगर फिर भी टैक्स कम नहीं होता है तो आगे की क्या आप लोग कार्रवाई करेंगे? हमारे आगे आगे की हमारी जो रूपरेखा है सर, आगे की हमारी रूपरेखा ये तो एक छोटा केवल मात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ताकि आपके माध्यम से हम सरकार को चेता सकें। यदि फिर भी सरकार की नींद नहीं खुलती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसके अंदर पूरे समस्त पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी व्यापारी हमारे से जुड़े हुए हैं वो सब व्यापारी आएंगे। हम धरने देंगे अपने अपने जिला स्तर पर, कलेक्टर स्तर पर, RTO स्तर पर। हम RTO को काम नहीं होने देंगे, RTO का बहिष्कार करेंगे। तो बड़ा एक बड़ा ही हम, लेकिन ये करना नहीं चाहते हम। सरकार को ये कहते हैं आपके माध्यम से हम एक निवेदन करना चाहते हैं। हम तो हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करते हैं कि आपने जो 10 तारीख के अंदर बजट के अंदर जो घोषणा करी है टैक्स वृद्धि की, इसको वापस लिया जाए। हर महीने सरकार को कितना बेनिफिट होता है इससे? कम से कम यदि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो अगर अपन एक कैलकुलेशन पकड़ें तो रोज का कम से कम 2.5 करोड़ रुपये पूरे राजस्थान के अंदर सरकार को रेवेन्यू आता है एक पुरानी कार का। पुरानी कार यदि ट्रांसफ़र होती है राजस्थान में तो रोज का 2.5 करोड़ रुपए कम से कम सरकार को रेवेन्यू आता है। इसको आप चलो अपन 30 दिन नहीं मानते हैं, 5 दिन छुट्टी आ गई तो आप 25 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कम से कम। ना करते आप खुद कोश के देखिए, खुद जोड़ के देखिए, कम से कम ना करते अगर अपन एक महीने का या साल भर में जाएंगे तो 1000 करोड़ टैक्स सरकार को इसका रेवेन्यू का नुकसान होगा। यदि सरकार हमारी नहीं मांगे मानती है तो हम ना तो RTO में कोई काम कराएंगे, क्योंकि RTO में डायरेक्ट कोई भी पार्टी गाड़ी ट्रांसफ़र कराने नहीं जाती। पुरानी गाड़ी जो ट्रांसफ़र होती है, सरकार को ज़्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो हम व्यापारियों के थ्रू आता है। हम लोग पुरानी कार बेचेंगे जब ही तो ट्रांसफ़र होगी सर। हम अपना हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, हमारी दुकानें ही बंद हो जाएंगी, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, सरकार को कितना नुकसान होएगा इसका कोई आंकड़ा ही नहीं दे सकता सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। एक ये राजस्थान में ही क्यों ऐसा करा है? और भी तो प्रांतों में अच्छी टैक्स चल रहा है, वन नेशन वन टैक्स चल रहा है। आप और दूसरे राज्यों में देखिए 2000-4000 रुपए